क्लासेस में डिस्कशन किया था, राइट? अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कोई भी डेटा, कोई भी चीजें हम कहीं और से इसके अंदर कैसे हम डालेंगे। एक तो है कि हम यहाँ पे टाइटल बनाए या जो भी लिखे, लेकिन मुझे अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कहीं से कॉपी करके पेस्ट करना है या उसका कोई ग्राफ कॉपी करके पेस्ट करना है, तो हम कैसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले जैसे हमने टाइटल यहाँ पे, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे टाइटल जो है डाल दिया एमएस ऑफिस 2016, और नीचे स्लोगन होता है, स्लोगन डालते हैं न्यू वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर रखना चाहते हैं, कोई और चाहिए डिजाइन में, तो डिजाइन से जाके अपनी बैकग्राउंड को चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में होम में वापस आते हैं और स्लाइड इंसर्ट करते हैं। अब स्लाइड में हमारा यहां पे ये डालेंगे कि एप्लीकेशन लिस्ट ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में कितने एप्लीकेशन होते हैं, तो यहां पे अब मैं यहां पे पिक्चर्स के साथ डालना चाहता हूं, तो मैं यहां पहले लिखूंगा कि पहला नंबर एमएस एक्सेल 2016, और मैं इसके सामने इसका फोटो डालना चाहता हूं। तो उसके लिए, फोटो के लिए मैं गूगल पे जाऊंगा तो सही रहेगा, गूगल से कॉपी करूं, यहां पे गया गूगल पे, और यहां पे एक्सेल लोगो को हम यहां लिख देते हैं। ये एक्सेल का लोगो है, इसी को जो अच्छा लगे उसको कॉपी इमेज, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, और फिर यहाँ पे देखिए डायरेक्ट पेस्ट नहीं है, कॉलम है, तो आप उसको पेंट में ले आते हैं। हेलो, पेंट में ले आके और फिर आप यहाँ पे ला सकते। तो पेंट पे ले आने से दिक्कत क्या हुआ कि इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी व्हाइट हो गई, लेकिन आप कोशिश करेंगे पेंट पे ले ना जाना पड़े। और फिर इसमें हमारा दूसरा जो है वो है एमएस वर्ड 2016। हाँ, मुझे एमएस वर्ड का लोगो यहां से उठाना है। तो इस तरह से आप जो है एक किसी इंटरनेट से आप ले सकते हो। इमेज पे जाएंगे तो आप और ज्यादा इमेजेस मिलेंगे। और यहां से आप जो है एमएस वर्ड का जो लोगो है वो एमएस वर्ड का लोगो यहां से ये ला सकते, सही है। डायरेक्ट पेस्ट करके देखिए, पेस्ट हो जाता है पावर पॉइंट में, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर आप जो है इसको पेंट पे ले जाए, पेंट पे पेस्ट करें, यहां से कॉपी करें, फिर वापस आके पेस्ट करो इस तरह से। ठीक है, एक तो बात हो गई कि पिक्चर्स को इंटरनेट से कॉपी करने की बात हो गई।
लेकिन मुझे इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन, कोई टेबल को करना है, जैसे कि मैं तो एक्सेल का वर्जन लेना चाहता हूं। अब यहां पे मैं करता हूं कि वर्जन लिस्ट ऑफ एमएस एक्सेल। उसे ये देखिए, अब इसको कॉपी करके पेस्ट करना, तो आप इसको कॉपी यहां से इस तरह से कर लिया मैंने। चाहे यहां पे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया गया है, ये पूरा का पूरा सिस्टम को मुझे डालना है उसको। तो सही रहेगा कि हम डायरेक्ट ना डालें, पहले हम इसको कॉपी करते हैं यहां से, इसको टेबल को यहां कॉपी कर लिया, और कॉपी करके हम इसको एमएस वर्ड पे ले आते हैं, क्योंकि तो डायरेक्ट जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। तो पहले आप जो है जो भी टेबल हमने कॉपी किया है तो उसको आप एमएस वर्ड पेज पर रखेंगे। ठीक है, अब एमएस वर्ड पर रखने के बाद फिर इसकी हम अपने हिसाब से अच्छा ये करेंगे, सही करेंगे, ये थोड़ा सा इसको इधर रिलीज करते हैं, थोड़ा सा इसको रिलीज करते हैं, उसके बाद जो है टाइटल को छोटा करते हैं, तो सही ढंग से अरेंज कर लेते हैं एक बार। अब मुझे इस टेबल को उठा के एमएस पावर पॉइंट पे रखना है, तो मैं पहले पावर पॉइंट पे जाऊंगा, एक स्लाइड इंसर्ट करूंगा न्यू, कि टाइटल ओनली स्लाइड जो है इसको यहाँ पे लिख देते हैं एमएस एक्सेल वर्जन्स, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो इसको नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं अब इसको कैसे कॉपी करोगे, तो कॉपी करने के लिए टेबल, ये क्या है टेबल फॉर्म में, तो सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है, यहाँ कॉर्नर पे जो ये प्लस का निशान दिख रहा है आप इसको सेलेक्ट करें, इसको फिर इसको कॉपी करें, और फिर यहां पे हम इसको पेस्ट करेंगे, तो पूरा आ गया, लेकिन काफी छोटा है तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो छोटा क्यों हुआ ये भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको F5 करूं फिर भी नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि तो बहुत बड़ा आइटम है इसलिए आएगा नहीं, तो इसको जो है टुकड़ों में रखना होगा, टुकड़ों में रखना होगा इसको अच्छे तरीके से। तो जितना साइज होगा उतने ही हिसाब से आएगा, देखिए देखा, इस तरह से सेलेक्ट करके टुकड़ों में रखिए, फिर जो है इसको नीचे कंट्रोल डी कर देते हैं, इसको डिलीट करता हूं मैं, फिर इसके नीचे का जो पार्ट है उसको लेते हैं, कॉपी करते हैं, फिर इसको पेस्ट करते हैं, इस तरह से इसको टुकड़ा में आपको रखना पड़ेगा। तो बड़ा आइटम एक बार में नहीं आएगा, अगर आप डालने की कोशिश करोगे तो छोटा होगा, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड से किस तरह से कॉपी करके लाओगे वो हो गया। अब बात करते हैं एक्सेल की, एक्सेल में कोई लिस्ट बनी हुई है, जैसे कि एक्सेल में मैं कोई लिस्ट बनाता हूं यहां पे, कि सीरियल नंबर, नेम, सिटी,
और अबाउट, पूजा सिटी में दिल्ली, अमाउंट हमने डाल दिया तो ओम दिल्ली, तीसरा सबीता ऑफिस को हम यहां से अब इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहां पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। एक न्यू स्लाइड लेते हैं, एक तो इस तरह से हम कर सकते हैं, तो इस तरह का है। लेकिन जाता हूं मैं चाहता हूं जैसा है उस तरह से जाए, तो उसके लिए फिर हमको यहां से पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल करना पड़ेगा। पेस्ट स्पेशल में हमारा पिक्चर आएगा, पिक्चर में क्या होगा कि जैसा है वैसा आएगा। अगर आप पिक्चर क्या देखिए, इसको आप बड़ा भी करोगे बट इसको इसको बड़ा करोगे तो इसकी जो टेक्स्ट साइज है वो बड़ा नहीं होगा, इसकी रो की साइज बड़ा होगा। देखिए इसको बड़ा करेंगे तो इसका अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसकी साइज बड़ा नहीं होगा, उसकी साइज बड़ा करने के लिए आपको यहां से बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो ये आया वो एक्सेल को एक्सेल के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेल का टेबल यहां शो कर रहा है, एक्चुअली में एक्सेल है नहीं, इसलिए ठीक है सर। तो आप इसी तरीके से एक बार बनाइए, फिर हम आगे बाकी चीजों पे एक बार और डिस्कस कर लेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी भेज देता हूं, अभी आधे घंटे में आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर।